तो हमें जाना है ग्रैंड मास्टर, और ग्रैंड मास्टर जाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैच लुइया करना पड़ेगा। और अपना स्ट्रिक का ट्रेन कहाँ तक जा पाता है, चलो देखते हैं गेम में। आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो रैंक कुशिंग में। हमारा स्कोर करीब 9000 के आसपास है, और हमें ग्रैंड मास्टर पहुँचने के लिए हमको 14000 कुछ चाहिए। तो देखते हैं दर्जन में हम क्या ये पूरा कर पाते हैं कि नहीं, ये तो गेम में ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं गेम में। तो मेरा अभी 3 किल हो चुका है, और लास्ट जोन बन रहा था ग्रेवियार्ड। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना गाड़ी पकड़ के ग्रेवियार्ड निकला जाए। तो मैं गाड़ी पकड़ के ग्रेवियार्ड की तरफ बढ़ता हूँ, तभी मैं आर्सेनल ले लेता हूँ। अब आर्सेनल को ओपन करके हम यहाँ से लेवल 4 का वेस्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ थर्ड पार्टी करने के लिए, दो बंदे लड़ाई हो रहे थे और मैं इनके बीच में आ गया, और दोनों को मैं तगड़ा डैमेज दिया हूँ। हालांकि एक ने एक को मार दिया, तो हम यहाँ से उप्पी से नेट करते हैं, और भाई नेट से पीता आ गया, मज़ा आ गया भाई, अपना 5 किल ऐसी हो गया भाई। के बाद मैं पहुँच जाता हूँ ग्रेवियार्ड, जहाँ जहाँ आग लगा हुआ है, और यहाँ पास मैं जिस घर में कैंपिंग करने वाला था, लेकिन यहाँ एक और एनिमी बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। अब यहाँ पास मैं ढूंढ रहा था एक अच्छा सा प्लेस, कौन सा जगह बेटर रहेगा यहाँ सर्वाइव करने के लिए, थोड़ा देर होल्ड करने के लिए। तो मेरे को ये जगह थोड़ा ठीक लगा, लेकिन यहाँ से भी पड़ सकता है, तो मैं यहाँ से हटना ही सही समझता हूँ। और मैं यहाँ पास आ जाता हूँ, और यहाँ पास भी एक एनिमी फायर कर रहा था, तो मैं उसको डैमेज देने के लिए हो रहा था, लेकिन भाई कहाँ कहाँ से डैमेज पड़ गया भाई। दो बंदे हैं यहाँ पर, एक बंदा पास में एक बंदा दूर में, तो मेरे को लगा था वो मेरे ऊपर रश करेगा, और सामने वाले घर में भी है भाई, ग्रेवियार्ड वाले घर में। तो मैं यहाँ पास आ जाता हूँ, ये थोड़ा अच्छा कवर है। और यहाँ पास भाई पीछे तरफ फाइट हो रहा था, तो मैं ओपी सा एक को भाई सोनिया बना देता हूँ, क्या ही तो हेड लगता है भाई इसको, और दूसरे का भी सोनिया बना देता हूँ। अब यहाँ पास ये नॉक हो जाता है, डिमिट्री वाला चाचा थे, मैं ओपी से नेट करता हूँ, इस बार भी एकदम कैलकुलेशन के साथ नेट, और सामने एक और बंदा भी, और अपना किल भी आ जाता है। अब ये वुकोंग रखा था, मेरे को लगा था नेट करेगा, लेकिन नहीं किया। अब मेरे यहाँ पास 4 गोली मिस हो गया भाई, दो दो करते हुए, और वो भी बहुत दूर में भी चला गया। अब यहाँ पास मेरे अलावा 3 बंदे अलाए हैं, तो मैं यहाँ पास होल्ड करना ही सही समझता हूँ, क्योंकि हमको चाहिए बुआ किल विल तो हमको चाहिए नहीं, हालाँकि अपना 8 किल है। फिर यहाँ पास दो बंदे लड़ाई हो रहे थे, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना नेट किया जाए, तो ये सही टाइम था नेट करने का, तो मैं नेट लेता हूँ। और कुक करने के लिए सोच रहा था कुक करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि वो एक ही जगह खड़ा था, तो मैं कुक करता हूँ। उसके बाद इस बार भी ओपी से नेट करता हूँ, लेकिन तब तक वो भाई हट जाता है, और 2 गोली तो मार रहा हूँ भाई, लेकिन उतना डैमेज नहीं पड़ा है। यहाँ पर से ग्लो लगाते हैं, और सामने एक और बंदा है, इसको भी डैमेज दिया, लेकिन हेड नहीं लगा है यार, क्या बताऊँ, हेड लग जाता तो मर ही जाता हो। अब यहाँ पर मैं इनहेलर ले लेता हूँ। अब मैं सोच रहा था ये दोनों का लड़ाई होगा तो अच्छा है, उसके बाद हम थर्ड पार्टी कर देंगे, लेकिन दोनों फाइट ही नहीं कर रहे थे यार। तो मैं यहाँ से निकलना था, तो मैं यहाँ से इनहेलर लेके एकदम तेज़ी से भग के राशि से लगा के यहाँ आ जाता हूँ। अब यहाँ पास ये भाई बहुत डैमेज दे दिया था मेरे को, अब मेरे को हील करने का ज़रूरत था, तो पहले अपने आप को पैक कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ से खुला था, कोई यहाँ आना चाहता था तो आ सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। अब यहाँ पास भाई हम तीनों कोई फाइट नहीं कर रहा था, तो मैं भी सोचता हूँ कि ना मेडिकेट फाइटिंग किया जाए, कोई भी फाइट नहीं किया, सब यहाँ पास मेडिकेट फाइटिंग कर रहे थे। और एक बंदा तो नॉक भी हो गया, वो यूज़ कर रहा है हॉरिजन, हालांकि इसका किल आ गया, और ये भी एलिमिनेट हो गया, और अपने यहाँ पास पहला बुइया हो गया, पहला ही मैच बुइया हो गया। और इसी के साथ अपना 31 का प्लस होता है, और अगले मैच में हम उतरते हैं डेका स्क्वायर में, क्योंकि रश टाउन कुछ ज़्यादा ही पास था, तो यहाँ पास बंदे उतरने के चांस बहुत थे। तो मैं उतरता हूँ डेका स्क्वायर में, और यहाँ पास मेरे को M10 मिलता है, और सामने एक एनिमी दिखता है जिसके ऊपर मैं रश कर देता हूँ। अब यहाँ पास वो जैसे ही नीचे आता है, मैं पूरा गोली भर देता हूँ, लेकिन यार रिकॉइल कर देता है। अब यहाँ पास मैं एक से क्या ही तो हेड मारता हूँ, इसका सोनिया बन जाता है, और ख़त्म भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे जा ही रहा था, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, और सामने से भाई ऑक से गंदा वाला हेड पड़ता है। अब मैं फिर से लैंडिंग करता हूँ, और उस तरफ एनिमी था, तो मैं भग के इधर आ जाता हूँ, और यहाँ पास कोई गन नहीं मिले था, और फाइनली एक एक्समेट मिला, और सामने एनिमी भी दिख गया यार जो डैमेज दे रहा था, और इसको क्या ही तो ऐड लगता है, इसके पास हेलमेट नहीं था लगता है। और इसको लूटने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ, अब यहाँ पर से ड्रॉप गिर रहा था, आवाज़ तो आ रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था, और फाइनली वो दिख चुका है, और अपने को मिलता है ड्रॉप से थोड़ा सा लूट। अब मैं सोचता हूँ क्यों नहीं इस वाले घर में थोड़ा सर्वाइव किया जाए,
कि मैं यहाँ पर लैंडमाइन डाल देता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर में आ जाता हूँ। अब यहाँ पास मेरे को फुटी स्टेप के साउंड आया था और मेरे लैंडमाइन से डैमेज हुआ और मैं दो गोली मार के यहाँ पास तीसरा किल कर लेता हूँ। अब इसको भी लूटने के बाद एक और एनिमी को फुटी स्टेप आने लगा है, तो मैं सबसे पहले नीचे उतर जाता हूँ और इस सामने वाले घर में जाता हूँ, क्योंकि ये जोन में था तो जोन पहले कवर करना है। तो मैं पहले यहाँ पास लैंडमाइन चेक कर रहा था, लैंडमाइन है कि नहीं है, तो यहाँ पास तो नहीं था। फिर एक और बार चेक किया तो यहाँ भी लैंडमाइन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ भी एक एनिमी था यार। अब मैं यहाँ पास कैंटक एबिलिटी यूज़ कर देता हूँ और ये मेरे को ज़्यादा डैमेज दे भी नहीं पाता है भैया। अपना यहाँ पास चौथा किल पाँचवा किल निकल जाता है। अब यहाँ पास मेरे अलावा दो बंदे बच्चे और एक बंदा मेरे ही घर के नीचे जस्ट साइड में ही खिड़की के पास ही में था, आप देखे होगे। तो अब यहाँ पास मैं सो फाइट को इग्नोर करने के लिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। तो मैं इन लोग से दूरी बनाता हूँ, इन लोग फाइट करें मैं थर्ड पार्टी करूँगा करके। तो मैं यहाँ पास ग्लू वॉल लगा के मैं फिर से दूर आ जाता हूँ और यहाँ पास वेट कर रहा था होल्ड करके कि इन लोग कब फाइट करेंगे करके, लेकिन ये लोग फाइट नहीं कर रहे थे। तो मैं अब इस बार बहुत मेरे पास 6-7 नेट था, तो मैं सब नेट को यूज़ कर देता हूँ दोनों को डैमेज देने के लिए, दोनों का ग्लू वॉल ख़त्म करने के लिए। अब मेरे पास अब 3 नेट बचा था तो मैं तीनों को भी फेंक देता हूँ भाई, किसी ना किसी का तो डैमेज पड़ेगा करके। लेकिन लेफ्ट वाले बंदे को डैमेज पड़ रहा था। अब लेफ्ट वाले बंदे के पास शायद ग्लू वॉल ख़त्म हो गया था, तो वो राइट वाले बंदे के पास रश कर देता है और इसी का फ़ायदा मैं उठा लेता हूँ। ये दोनों का फाइट के बीच में मैं इन थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पास ही डैमेज था तो मैं मैक 7 से डैमेज देके ये मैच बुझा कर लेता हूँ। और अपना यहाँ पास हो चुका है 2 का स्ट्रीक, और हालांकि यहाँ दिखा नहीं रहा है, मैं आपको हिस्ट्री में जाके दिखा देता हूँ एक बार। हिस्ट्री में देख सकते हो 2 का स्ट्रीक बन चुका है अपना, वो भी 7 किल के साथ। फिर अगले राउंड में यहाँ 1v1 का सिचुएशन बना रहता है, तो मैं इससे पहले तो धुरी बनाता हूँ मैं इस कार समाने के लिए, तो दिखा देता हूँ मैं अभी। ये BR रैंक ही है, देख सकते हो मैप तरफ। अब ये शायद बहुत कॉन्फिडेंस में था कि ये मार दूंगा हेड करके, लेकिन ये इस कार का बॉडी शॉट से मर जाता है और इसको कन्फर्म करने के बाद अपना यहाँ 3 का स्ट्रीक कम्प्लीट हो जाता है और इसमें बहुत अच्छा प्लस भी हो जाता है 28 का, और इसका MP40 भी अच्छा प्लस हो जाता है। 3 का स्ट्रिक तो बन चुका था अपना। अब अगले राउंड में यहाँ एक एनिमी रहती है जिसके पास भाई MP40 रहता और क्या ही तो स्प्रे करती है, बहुत डैमेज दे देती है हालांकि ये तो, लेकिन अपने M887 के सामने कहाँ टिक पाएगी, और इसको हम कन्फर्म कर देते हैं। और मेरा पुराना 3 का स्ट्रिक टूट चुका था, तो मैं इस बार फिर से 3 का स्ट्रिक बनाता हूँ। ये मैच वही है, 2 बार लगातार फिर बुया किया, फिर तीसरा का स्ट्रिक बनाया। अब इस 3 के स्ट्रिक को मैं 4 में बदलने के लिए अगले राउंड में भाई यहाँ पास मेरे अलावा 2 बंदे बचे थे जो कि लड़ाई कर रहे थे। मैं थर्ड पार्टी करने आया, लेकिन यार वो बंदा मार चुका था, तो मैं इसका सबसे पहले एबिलिटी बंद कर देता हूँ। अब पहले निगल लेके सीधा रस करता हूँ, क्योंकि इसका एबिलिटी बंद है, तो मैं आराम से इसको बॉडी शॉट भर देता हूँ और अपना चौथा मैच भी विन हो जाता है और अच्छा खासा प्लस भी हो जाता है। 4 का स्ट्रिक बन चुका था और अगले राउंड में फिर मैं 2 बंदे को भाई थर्ड पार्टी करके मैं ये दोनों को मार देता हूँ 8 किल के साथ, और अपना यहाँ पास 5 का स्ट्रिक बन जाता है। 5 का स्ट्रिक का टैग भी मिल जाता है उस तरफ, जब 10 का स्ट्रिक का मिशन नहीं है जहाँ, दिखा देता हूँ ये अचीवमेंट में। और यहाँ पास देख सकते हो 5 का स्ट्रिक अपना कम्प्लीट हो चुका है, BR विक्ट्री ट्रेंड, और हिस्ट्री भी देख लो। फिर अगला राउंड स्टार्ट होता है यहाँ बरमुंडा में, जहाँ फिर से 1v1 सिचुएशन बना था। तो मैं यहाँ पर लैंडमाइन लगा के यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। अब उसके पास M249 जिससे वो भाई वॉल तोड़े जा रहा था, और वो समझ रहा था कि मैं उस ग्लोअर के सामने हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं था, यहाँ था। तो मैं पहले उसका वॉल तोड़ता हूँ। अब इसका वॉल तोड़ने के बाद मैं इसको डैमेज देने के लिए होता हूँ, और मेरा वॉल तोड़ने के लिए होता है, तो मैं इसको बॉडी शॉट में भर देता हूँ पूरा, और बॉडी शॉट में ही नहीं पड़ जाता है ये, तो इसके पास शायद रेस्ट नहीं था। और अपना यहाँ पास 6 का स्ट्रिक भी लग जाता है और अच्छा खासा प्लस भी हो जाता है। फिर अगला राउंड भाई अपना क्या थर्ड पार्टी के कारण हम मर जाते हैं और अपना 6 का स्ट्रिक टूट जाता है। जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ पास ग्लोअल लगाता हूँ और मैं कुछ ले रहा था गन, और मैं पीछे से भाई एक एनिमी मार देता है, कम HP का था, इसी के साथ अपने स्ट्रिक ख़त्म हो जाता है।